नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहां सिंधु बॉर्डर को दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सीमेंट और लोहे की बैरिकेटिंग लगाकर यातायात पूरी तरह से रोका गया है। सिंधु बॉर्डर पर किसी भी गाड़ी को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस बल की भी संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां किसानों की दिल्ली कूच को लेकर के बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। बता दें कि बॉर्डर्स पर पुलिस बल की संख्या को बढ़ाया गया है। दोनों तरफ से सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। बता दें कि दिल्ली कूच की जिद और जद्दोजहद दोनों ही देखने को मिल रही है। किसानों की तरफ से जिद देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जद्दोजहद जारी है। किसानों का महासंग्राम देखने को मिल रहा है। पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस पुलिस प्रशासन की तरफ से छोड़े गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, जहां किसान अड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच जद्दोजहद देखने को मिल रही है। वहीं चौथी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, जहां पर किसानों को हिरासत में लिया गया है। जगह भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। पांचवी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जनता परेशान हो रही है। भीषण जाम की स्थिति सड़कों पर बनती हुई नजर आ रही है। तो पांच तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली कूच की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से जद्दोजहद भी देखने को मिल रही है। किसानों का महासंग्राम एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिल रहा है। किसानों की जिद की वजह से भीषण जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जनता परेशान हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्षित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्षित, जिस तरह से संग्राम और जाम बनता हुआ देश में नजर आ रहा है, उसकी वजह से जनता परेशान है। जाम की स्थिति बन गई है। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं किसान और जद्दोजहद में है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और जो पुलिस है वो जद्दोजहद कर रही है उनको रोकने के लिए। और अगर इस समय मैं दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर खड़ा हूँ, बेहद महत्वपूर्ण ये बॉर्डर है क्योंकि पंजाब को सीधे जोड़ता है ये दिल्ली से। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब जो रोड है उसको सीमेंट की फिक्स बैरिगेटिंग लगा करके बंद कर दिया गया, यानी सीमेंट और रोड़ी के मसाले से बना करके जो सीमेंट की बैरिगेटिंग है उनको फिक्स कर दिया गया। साथ ही साथ बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको लगाया जा रहा है और यहाँ तक कि क्रेन मशीनों को भी रोड पर खड़ा किया जा रहा है, जिससे पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक किया जाए। यातायात पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही है। लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसान इसी बीच कहीं ना कहीं जानकारी निकल के आ रही है कि शंभू बॉर्डर जो है अंबाला के, वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां लगातार जद्दोजहद चल रही है, झड़प चल रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और उसी को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो क्रेन की सहायता से रोड के बीचों बीच रखे जा रहे हैं। ये बिल्कुल तय है कि अगर किसान बलपूर्वक भी अंदर आने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दावा किया जा रहा है कि किसानों को किसी तरीके से भी दिल्ली के अंदर सिंघु बॉर्डर से एंट्री नहीं देने दी जाएगी। बिल्कुल हर्षित, जिस तरह से दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं देने दी जाने की बात की जा रही है, लेकिन इस दौरान किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शंघु बॉर्डर पर हिरासत में भी लिए गए हैं कुछ किसान। बिल्कुल, देखिए कई किसानों को हिरासत में लिया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जो किसान हैं वो जबरन अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए अम्बाला के, तो वहां से वहां पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली और उसी जो जानकारी जैसे ही यहाँ दिल्ली पुलिस को मिली है उसके बाद से यहाँ गतिविधि तेज हो गई। अगर उस जानकारी से पहले की बात की जाए तो यातायात चल रहा था, लोगों को आवाजाही के लिए यहाँ पर आने दिया जा रहा था गाड़ियों को, लेकिन जैसे ही शंभू बॉर्डर पर झड़प शुरू हुई, हिंसक जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद से ही सिंघु बॉर्डर पे जो दिल्ली का है यहाँ पर भी पूरी तरीके से रोड को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बड़ी बड़ी क्रेन लगा दी है और यहाँ हाईवा लगा करके, मिट्टी से भरे हुए बड़े हाईवा लगा करके रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, जिससे किसान के जो ट्रैक्टर जबरन अंदर जाते हैं उनको भी रोक दिया जाए। देखिए ये पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं ये लंबे समय से चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है कि अगर किसान आते हैं तो कैसे रोका जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल बनाए जा रहे हैं, कटीले तारों को लगाया जा रहा है लोहे की बैरिकेटिंग के ऊपर, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ जो जानकारी है वो ये निकल के आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर फिलहाल जो किसान हैं और पुलिस है उनके बीच में झड़प लगातार जारी है। जी बिल्कुल हर्षित, जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहां जरूर देखने को मिले, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भीषण जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं?
हाँ देखिए, अगर जाम से निपटने की बात की जाए तो जाम को अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो खत्म कर दिया गया। खत्म इसलिए कर दिया गया क्योंकि दोनों ही तरफ, हरियाणा और दिल्ली दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो कई किलोमीटर पहले ही जो गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी सिंघू बॉर्डर पर, जो दिल्ली का सिंघू बॉर्डर कुंडली बॉर्डर है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी, चाहे वो प्राइवेट हो या कॉमर्शियल हो, उनको आने की अनुमति नहीं है। कई किलोमीटर पहले ही इधर कुंडली की बात की जाए तो हरियाणा के कुंडली से, और दूसरी तरफ अगर हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताएंगे जानकारी के लिए कि अगर वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ आ रहे हैं तो मुकरदा चौक और अलीपुर के पास से डाइवर्ट किया जा रहा है, गाड़ियों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। और जो ये कोशिशें हैं ये इसीलिए जारी हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे, वहां पर कहीं ना कहीं झड़प हुई और उनको देखते हुए डाइवर्ट किया गया रूट को। रोड पूरी तरीके से कुंडली सिंघू बॉर्डर पर बंद कर दिया गया, बैरिगेटिंग लगातार बढ़ाई जा रही है, अतिरिक्त पुलिस बल की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, बड़े बड़े डैम्पर जो है वो मेन रोड पर बीचों बीच खड़े करके रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। यानी जैसे ही अंबाला में झड़प की जानकारी मिली, गतिविधि दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी और तैयारियों को यहां पर और भी चाक चौबंद करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जारी। बिल्कुल हर्षित, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से कवायद तेज की जा रही हैं, चाक चौबंद व्यवस्था रखी जा रही है, लेकिन किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, अगर आगे बढ़कर के स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो पुलिस प्रशासन उस स्थिति से कैसे निपटेगी, क्योंकि किसान लगातार अड़े हुए हैं, पथराव भी किया गया है पुलिस प्रशासन पर। किसानों की तरफ से जो शंभू बॉर्डर है वहां पर पथराव किया गया, जबरन अंदर आने की कोशिश की गई, बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की गई और जो बड़े पत्थर हैं उनको भी अपने ट्रैक्टरों से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम चीजों को देखते हुए वहां से जो जानकारियां निकल रही हैं, जो इनपुट निकल रहा है, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने, अगर मैं सिंघू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर की बात करूं तो इस बार खास तौर पे मिट्टी के बड़े डंपर जो होते हैं उनको मेन रोड पर खड़े करने का फैसला लिया है, जिससे जो किसान है वो इनको आसानी से हटा ना सके। बड़ी बड़ी क्रेन मशीन जो है उनको रोड पर खड़ा किया जा रहा है। पत्थर जो है उनपे किसी तरीके के लोहे के कुंडे नहीं लगे हुए हैं, जिससे किसान, पिछली बार ये देखा गया था 2020 से जब आंदोलन हुआ था हिंसा के टाइम पे, तो किसानों ने उन्हीं लोहे के कुंडों पर जो क्लैंप फंसा करके उन पत्थरों को हटाया था, लेकिन इस बार बड़े पत्थर जो लगाए गए उनमें से लोहे के क्लैंप को हटा दिया गया। यानी जो पुलिस है वो पिछली बार जो हुआ था 2020 में उससे भी सबक लेते हुए और उससे भी ज्यादा बेहतर तैयारियों के साथ इस बार निपटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल हर्षित, जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेटिंग दोनों तरफ से, अब पहले हालांकि दो लेयर की, तीन लेयर की बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन अब सीमेंटेड बैरिकेटिंग कर दी गई है, लोहे की बैरिकेटिंग भी की गई है, कटीले तारों की संख्या को और बढ़ाया गया है, कंटेनर वहां पे मंगाए गए हैं बड़ी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में वहां पे कंटेनर्स लगाए गए ताकि किसी भी तरह से किसान इस तरफ ना आ पाए। पुलिस प्रशासन की पूरी पूरी कोशिश यही है कि किसानों को उनकी जगह पर ही रोका जाए, माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए, लेकिन किसान अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है, लेकिन जनता परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी आरोप लग रहा है, केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही है कि टाइम पास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, ये आरोप जो कल मीटिंग हुई थी उसके बाद जब किसान नेता बाहर निकले थे तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि किसी तरीके का कोई भी प्लान या फिर कोई भी अच्छा सुझाव सरकार के पास नहीं है, सरकार सिर्फ मीटिंग के जरिए टाइम पास कर रही है, और यही वजह थी कि आज दिल्ली कूच के फैसले पर किसान अड़े हुए थे। उसके बाद से ही अभी लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, और अंबाला के शंभू बॉर्डर में, मैं आपको जो दर्शक है हमारे उनको ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर ये दोनों अलग अलग है। सिंघू बॉर्डर दिल्ली का है, शंभू बॉर्डर अंबाला में है, और अंबाला में इस समय लगातार झड़प चल रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो शंभू बॉर्डर है। इधर उसी गतिविधि को देखते हुए यहाँ पर जो पिछली है दिल्ली पुलिस, उन्होंने अपनी गतिविधि को तेज कर दिया कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उनको कैसे रोका जाएगा। समय समय पर जो आला अधिकारी है वो ब्रीफिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अपने जवानों को, और महिला पुलिसकर्मी और अतिरिक्त पुलिस बल में भी जो महिलाएं हैं उनकी भी संख्या को बढ़ाया गया, साथ ही साथ कटीले जो तार है वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं यहाँ दिल्ली पुलिस, और जो
मिट्टी से बड़े हुए डंपर है। मैं फिर बताऊं, मिट्टी से बड़े हुए डंपर इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर या फिर किसी अन्य तरीके से इन डंपरों को हटाया नहीं जा सकता है। उनको रोड के बीचों बीच लगा करके रोड को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है, यानी दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुकी है और कोशिश तो यही की जा रही है कि अंबाला जहां पर इस समय किसान और पुलिस के बीच में झड़प चल रही है उनको वहीं पर रोक लिया जाए, किसानों को आगे ना आने दिया जाए। लेकिन अगर किसान आगे बढ़ते भी हैं तो दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि उनकी तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, तैयारियां हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी की गई है, चूंकि किसान दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से जिद में अड़े हुए हैं हर्षित, और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां भी लगभग पूरी कर रखी गई हैं। जिस तरीके से स्थिति आगे बढ़ती जा रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।